आज देखते हैं अपना किचन में क्या बनने वाला है। तो आज अपना किचन में बनेगा बेसन का लड्डू, वो भी नए तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ले लिया है बेसन और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक डो तैयार करेंगे। ये देखिए हमने इसका डो तैयार कर लिया। अब इसको हम तलेंगे तेल में। देखते हैं इधर तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें इसको हम एक एक करके तलेंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक हम गोल गोल पकौड़े तलते जाएंगे, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल अलग स्टाइल से बेसन का लड्डू। तो इसका हम पकौड़े तल लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं दिखा दीजिएगा। ये देखिए ये पकौड़ी बना बिल्कुल तैयार है लड्डू बनाने वाला। तो इसको हम एक करके प्लेट में निकाल देते हैं और इसके बाद हम दूसरा बैच ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। हम बना लेते हैं अपने लड्डू के लिए चाशनी। चाशनी हम एक या दो तार की नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा चिपचिपा अच्छा सा बन जाए। तो हमने लिया था एक कटोरी चीनी और इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी पानी। और ये देखिए हमारी चाशनी बन के तैयार है। मैं इसमें कोई भी फूड कलर नहीं डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं। तो हमारी चाशनी तैयार है, गैस को करेंगे बंद। चलते हैं देखने आप बेसन के पकौड़े की तरफ घिसाएँगे। तो आइए देखते हैं। लड्डू बनाने के लिए पकौड़े ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको हम दरदरा पीस लेंगे। ऐसे सारे तोड़ तोड़ के इसमें डाल देंगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए ये जो हमने मिश्रण तैयार किया है लड्डू का, इसको हम डाल देंगे चीनी की चाशनी में। ये देखिए और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे और मिला के इसको हम 10 मिनट के लिए प्लेट से ढक के छोड़ेंगे, फिर इसका हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हमारी चाशनी भी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। जितना हमको चाशनी चाहिए उतना ही चाशनी बना था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर दिए और इसको हम प्लेट से ढक देंगे। ये देखिए इसको हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद इसका हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हमारा मिश्रण बिल्कुल तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए इसको प्लेट में निकालते हैं और बनाते हैं लड्डू। और ये देखिए इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लेंगे और ऐसे गोल गोल लड्डू बनाएंगे इसका। तो ये देखिए हमारा बेसन से बना हुआ दानेदार व स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू तैयार हो गए बनके। ऐसे ही सारे लड्डू हम बना लेंगे। और ये देखिए हमारा लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार है। तो हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश की हूँ। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी फ्री में। तो मिलते हैं कैसे ही आसान व नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।